भारतीय रेल के पास लोगों के पैसे से बने विशाल संसाधन और आधारभूत ढांचा है। एक अरसे से निजी क्षेत्र की निगाह उन पर लगी हुई है। सरकार के निजीकरण के कदमों के खिलाफ रेलवे की ट्रेड यूनियन और लोगों का एक विशाल जनमत है। इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमें भारतीय रेलवे को क्यों बचाना चाहिए और क्यों यह न केवल इसके कर्मचारियों और यात्रियों बल्कि पूरे देश की जीवन रेखा है। मार्च 2017 तक देश भर में भारतीय रेलवे के पास लगभग 11.5 लाख एकड़ भूमि है। भारतीय रेलवे के पास 2,77,987 मालवाहक वैगन, 70,937 यात्री कोच और 11,452 लोकोमोटिव हैं। हर रोज रेलवे 13,000 यात्री रेल चलाती है, जिसमें करीब 63 लाख यात्री रोज यात्रा करते हैं। रेलवे में 13,08,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। वर्ष 2017-18 में रेलवे की कुल आय 1,87,400 करोड़ थी। भारतीय रेल 3 देशों नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत से जोड़ती है। हम उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में जानते हैं रेल नेटवर्क से यात्रा करना हवाई यात्रा की तुलना में महंगा है। भारतीय रेल गरीब और मध्यम वर्गीय आबादी को सब्सिडी देकर सस्ती यात्रा करवाती है। निजीकरण आम आदमी से ये सब लाभ छीन लेगा। भारतीय रेलवे माल की कमाई के लाभ से यात्रियों को सब्सिडी देती है। रेलवे हर यात्रा के लिए 100 रुपए के खर्च पर केवल 53 रुपए का शुल्क लेती है और माल की कमाई से 47 रुपए का अनुदान देती है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों की रियायत, मरीजों की रियायत, छात्रों, युवाओं, किसान, मीडिया वाले लोगों की रियायतें आदि सहित 55 रियायतें दी जाती हैं। निजीकरण के कारण स्टेशनों पर लाखों दुकानदार अपना रोजगार खो देंगे। CAG के अनुसार AC 3 टायर और AC चेयर कार को छोड़कर सभी श्रेणियों में नुकसान हो रहा है। मोदी सरकार ने 2025 से पहले 500 निजी गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव दिया है। निजीकरण की प्रक्रिया के तहत मार्च 2023 तक 109 मार्गों पर 151 ट्रेनें होंगी। इन निजी ट्रेनों में केवल AC 3 टायर और AC चेयर कार होंगी जो लाभ कमाती हैं। निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सामान्य द्वितीय श्रेणी या स्लीपर क्लास नहीं होगी। निजी कंपनियों को अपनी दरें तय करने की स्वतंत्रता होगी। यात्रियों के लिए कोई रियायत उपलब्ध नहीं होगी। एक शर्त यह भी है कि भारतीय रेल निजी ट्रेनों से 1 घंटे पहले या बाद में कोई ट्रेन नहीं चलाएगी। हालांकि वे घोषणा करते हैं कि निजी ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी, पर समय सारणी में उनके पास केवल 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का समय है। और ये भी सभी लाभ कमाने वाले मार्ग होंगे। रेलवे केवल घाटे के मार्गों पर चलेगी। सारा लाभ निजी क्षेत्र को जाएगा और भारतीय रेलवे को सारा नुकसान। इसके अलावा 2025 तक 30% मालगाड़ियों को निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा। इस तरह भारतीय रेलवे के पास कुछ मालगाड़ियां और घाटा उठाने वाली यात्री गाड़ियां ही रह जाएंगी। यह रेलवे की आमदनी को और खराब कर देगा। भारतीय रेलवे के लिए यात्रियों को रियायत देना असंभव हो जाएगा। वास्तव में वेतन और पेंशन का भुगतान करना भी मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान में 500 यात्री ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेनों में परिवर्तित किया गया है, जिससे ग्रामीण लोगों का व्यवसाय, रोजगार और पढ़ाई के लिए कस्बों शहरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। सरकार 2025 तक 30% रेलवे स्टेशनों का निजीकरण करना चाहती है। वर्तमान में माल गाड़ियों की औसत गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और यात्री ट्रेनों की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। टिकट मांगने पर नहीं मिलते हैं। रेलवे में भारी निवेश की सख्त जरूरत है, जिसके बिना पहले से ही पटरियां कम पड़ रही हैं। इस स्थिति में निजी रेलगाड़ियों को चलाना तब तक संभव नहीं होगा जब तक वे भारतीय रेल द्वारा चलाई जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द नहीं कर देते। हर बजट में सरकारी निवेश घट रहा है। घोषणा तो 50 लाख करोड़ के निवेश की हुई, लेकिन यह वर्ष 2019-20 में घटकर केवल 3,70,000 करोड़ रह गया। निवेश की भारी कमी और उपेक्षा से बुनियादी ढांचे का विनाश होता है और रेलों का पटरियों से उतरना और दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। भारतीय रेलवे का उद्देश्य इस देश की आम जनता के लिए सस्ती कीमत पर तेज और सुरक्षित ट्रेनें चलाना है। मौजूदा मार्गों में निवेश की उपेक्षा और निजीकरण की वर्तमान नीति ही इस मकसद को डावाडोल कर सकती है। अन्य देशों के अनुभव से पता चलता है कि निजीकरण रेलवे को अस्थिर करने की ओर जाता है। वास्तव में कई देशों में रेलवे का दोबारा राष्ट्रीयकरण हो रहा है। भारतीय रेलवे में 2.4 लाख एससी कर्मचारियों और 1 लाख एसटी कर्मचारियों के साथ 12.2 लाख स्थायी कर्मचारी काम करते हैं।
यदि निजीकरण किया जाता है तो ये स्थायी रोजगार के अवसर और सामाजिक न्याय बुरी तरह से प्रभावित होंगे। पहले से ही निजीकरण के दबाव में रेलवे ने 3 लाख रिक्तियों का 50% समर्पण किया है, यानी 1.5 लाख नौकरियां खत्म कर दी हैं। इसने 1.3 लाख उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया को भी रोक दिया है। इसने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को स्थिर करने का निर्णय लिया है। प्रोत्साहन बोनस और रनिंग अलाउंस में कटौती के अलावा यात्रा भत्ता में 50% की कटौती भी कर दी है। निजीकरण से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर भी असर पड़ेगा। जिस तरह से BSNL और एयर इंडिया प्रभावित हुए, उसी तरह निजीकरण रेलवे को भी उजाड़ देगा। देश के हित में आम लोगों, कर्मचारियों और मजदूरों को रेलवे के विनाश के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना होगा। रेलवे बचाओ, देश बचाओ, सार्वजनिक क्षेत्र को बचाओ, भारत बचाओ।